जैसलमेर के सांगढ़ थाना क्षेत्र के मेगा गांव में एक दलित युवक का अपहरण कर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेलीवाल ने ट्वीट कर जैसलमेर पुलिस को मामले पर संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि जैसलमेर पुलिस ने इस मामले पर FIR दर्ज कर ली है तथा जानलेवा हमला करने वालों की तलाश भी शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़ित युवक दिनेश जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित दिनेश कुमार मेघवाल ने बताया कि वह अपने गांव मेगा के पास में अपनी बकरियां चरा रहा था। उस दौरान गांव के ही दो युवक विक्रम सिंह व महेंद्र सिंह गाड़ी में आए तथा मुझे वहां बकरियां चराने से मना किया। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उन्होंने मेरे मुंह में कपड़ा ठूस कर मुझे गाड़ी में डालकर थोड़ी दूर ले गए। वहां उन्होंने मुझे लोहे के तार से बहुत मारा। मैं चिल्लाया, जैसे ही वहां पे पास में मौजूद एक युवक सुरेश मेरी चीख सुनकर मुझे बचाने के लिए आया। उसके आने के बाद दोनों युवक ने मुझे छोड़ा, मगर सुरेश मौके पर आकर मुझे नहीं बचाता तो वो मुझे जान से मार देते। मैं हमले से बेहोश हो गया था। सुरेश ने मेरे परिजनों को बुलाया और मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया। हमने सांगढ़ थाने के अंदर मामला दर्ज करवा दिया है। मामले को देखते हुए रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए जैसलमेर पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं भीम आर्मी के जैसलमेर जिलाध्यक्ष हरीश जनानिया ने भी पीड़ित दिनेश से जवाहर अस्पताल में मुलाकात की तथा उसे न्याय दिलाने के लिए उसके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। मेरे ऊपर हमला करने आ रहे वो, मैं गया गांव से, कम हमारे गांव से 5 किलोमीटर खेत दूर है। वहीं से मैं खेत से 3 किलोमीटर आगे बकरी चराने के लिए गया। मैं मेरी धुन से फ़ोन से बात करते हुए जा रहा था, पीछे से विक्रम सिंह और महेंद्र सिंह आए, मेरे दोनों हाथ पकड़ ली, हाथ बांधा और फिर मुंह के अंदर रेत डाली और फिर मुंह बांध लिया। फिर उन्होंने कुल्हाड़ी से पहले हाथ के ऊपर वार किया, फिर उन्होंने बोला कि यार कुल्हाड़ी से वार करेंगे या हाथ पैर कट जाएगा तो हमारे पर मुकदमा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर उन्होंने जो खंभे वाली तार आती है ना, उसे 1 घंटा पूरा ही मारपीट की। उसके बाद मैं बिल्कुल बेहोश हो गया, कुछ ना तो उठ पाया ना कुछ भी न कर पाया। और 1 घंटे के बाद मुझे होश आया। फिर मैंने मेरे जो मौसी का लड़का था, मेरे काफ़ी 1 किलोमीटर दूर था, ज़ोर ज़ोर से चलाए, वो आया। फिर मेरे घर वालों को सूचना दी, फिर मौके पर घर वाले आए और फिर सांगढ़ थाना गए, वहाँ पर उपचार करवाया। प्राथमिक हॉस्पिटल है जो सांगढ़ के अंदर, वहाँ से रिपोर्ट करा। आज मैं जैसलमेर हूँ। अभी तक 2 दिन हो गए मुजरिम पुलिस के साथ घूम रहे, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, न गिरफ्तारी हो रही। अब आप क्या मांग? हमारी सर ये मांगे है कि जो हमारे गांव से 5 किलोमीटर खेत दूर है, वहाँ से वो चलने नहीं देते। वहाँ से एक तो रोड कटान होनी चाहिए, बाकी जो उनकी खातेदार ज़मीन है, जो ये ज़मीन है कम से कम 1000 बीघी ज़मीन पड़ी है, बंजर भूमि पड़ी है, वो आंसू सिंह बोल रहा है कि ये हमारे राठौड़े के टाइम की हमारी ज़मीन है, हमारा हक है, वो है हमारे को, मतलब गोचर भूमि के अंदर चलने नहीं है। एक तो वो, उसके बाद मेरे पास 140 बकरी में लेके गया था, उसमें से 50-60 आई, बाकी वाले लेके गए, ठीक है। और जो हमारी गाय ने फसल खाई है उसका मुआवजा दिया जाए, और आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना करें।